प्यारे कृषक बंधुओं, आज आप सभी कृषक बंधुओं का फार्म सिग्मा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम सभी कृषक बंधुओं को आज सरसों की फसल को का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, वो निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर जानकारी प्रदान की जाएगी। जैसे खेत की तैयारी कैसे करें, आधार खाद कौन सी दें, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, बीज उपचार क्या होता है, इसके अंदर FIR का क्या महत्व है, बुआई का समय व तरीका क्या है, कितना बीज दर होना चाहिए जिससे हमें पौध संख्या मिले, सिंचाई कौन सी सिंचाई हमको करना चाहिए, कैसी करना चाहिए, इसकी कटाई छटाई हम गाही कैसे करें, पर्णी छिड़काव कौन कौन से करें, कौन कौन से जल विलय खादों का पर्णी छिड़काव करें, फसल चक्र कैसे अपनाएं, और अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो अंतर्वर्ती फसल करके हम किस तरीके से अतिरिक्त आय दूसरी फसलों की अर्जित करें। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें एवं साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबाने का कष्ट करें। बात करते हैं हम लोग खेत की जुताई। देखिए किसान भाइयों, खेत की जो जुताई है वो इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो मिट्टी की जो संरचना होती है उसके अंदर में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों को अच्छा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें जो है पानी का आदान प्रदान भी अच्छा होता है, हवा का आदान प्रदान अच्छा होता है और जितने भी जमीन में जो लाभदायक जीवाणु है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर वो हमेशा है जीवित रहते हैं और खाद को पौधे की जड़ों तक ले जाने का काम करते हैं। गहरी जुताई करना बहुत आवश्यक है। अंतिम जुताई के पहले मिट्टी परीक्षण जरूर करा लें और अंतिम जुताई के बाद खेत में पका हुआ गोबर का खाद 5 टन प्रति एकड़ डालकर उसको रोटावेटर मिला करके मिला देना चाहिए और मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेपे हैं उनको छोटे छोटे ढेपों में परिणित करके हमको पाटा चला लेना चाहिए। बात करते हैं हम लोग आधार खाद की, जिसको हम बेसल डोज बोलते हैं। इसके लिए सुपर फास्फेट जो है वो 150 किलो, पोटाश 20 किलो, सूक्ष्म शोषक तत्व 10 किलो एवं सल्फर 5 से 10 किलो। सल्फर इसलिए देंगे क्योंकि ये एक तिलहनी फसल है और तिलहनी फसल के अंदर में जो सल्फर होता है उसकी एक अलग भूमिका होती है। जब भी हम सुपर फास्फेट डालेंगे किसान भाइयों, साथ में हमको माइकोराजा का डालना बहुत जरूरी है। जितने जितना हम फास्फोरस जमीन को देंगे उसकी पूरी की पूरी मात्रा पौधे को मिल जाएगी। बात करते हैं हम लोग उन्नत किस्मों की। जो ये उन्नत किस्में हैं वो आंचलिक अनुसंधान केंद्र जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाते सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जो कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना है वहां पर इसके फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन इस जितनी भी प्रजातियां आपको बताई गई हैं ये किसानों के डाली गई है। जैसे विजय सरसों है और ये एप्रो एग्रो जो है वो 5222 है, RGN 73 है, HB 101 506 है, पूसा सरसों है 37, वरुणा उषा पूसा जय किसान वसुंधरा इत्यादि। बात करते हैं हम लोग बीज उपचार की। बीज को टीका लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि सरसों की फसल में बुआई से पहले बीज को टीका लगाना, क्योंकि सरसों में ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो बीज से ही जनित होती हैं। जैसे फफूंद नाशक, अब 3 चीज जो हम बात करते हैं FIR। FIR का मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। यहाँ राइजोबियम नहीं है, यहाँ पर हम उसको एसिटोबैक्टर जो है उससे भी हम उसको उपचारित कर सकते हैं। फफूंद नाशक के रूप में अगर हम सबसे बढ़िया फफूंद नाशक जो टेक्निकल है वो आपका कार्बोक्सिन और थायरम का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है वो हम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, देखिए एक त्रिपाल के ऊपर हम बीज को बिछा लेते हैं, उसके ऊपर हम कार्बोक्सिन और थायरम का पाउडर डाल देते हैं, उसको अच्छी तरीके से हैंड ग्लोव पहन करके उसको अच्छी तरह मिला लेना चाहिए जिससे पूरी दवा जो है एक एक बीज के ऊपर लग जाए। दूसरा जो उपचार हम कर सकते हैं वो थायफिनेट मिथाइल और पायरोक्लोस्ट्रोबिन से करते हैं। तीसरा हम लोग थायमिथेक्सम जो है इंसेक्टिसाइड है, थायमिथेक्सम जिससे जो रस चूसे कीट है खास करके जो माहू का प्रकोप आता है वो बीज में ही अगर ये थायमिथेक्सम हम लगा देते हैं तो माहू के जो होने वाले नुकसान है उससे हम फसल को बचा सकते हैं। बात आती है बुआई का समय। जो समय होता है वो असिंचित क्षेत्र के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, सिंचित क्षेत्र के लिए 15 सितंबर से 31 अक्टूबर। किसान भाइयों, जितना हम लोग बीज दर का ध्यान रखते हैं, बीजोपचार का ध्यान रखते हैं, उतने हमको बुआई के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। बुआई की जो विधियां हैं ये 3 विधियों से हम करते हैं। छिटकवा विधि जो पहले करते थे, सीड ड्रिल विधि, सीड ड्रिल मतलब फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल, इसमें नीचे खाद होती है और ऊपर क्या होता है बीज होता है, पहले खाद डालनी चाहिए उसके ऊपर से बीज डलेगा। तीसरी होती है श्री विधि। अभी हमने पिछले हमारे जो हमने जो वीडियो के माध्यम से आपको बताया था
कि जो सरसों की उन्नत खेती है उसमें हम लोगों ने जो पूरा जो पीडीएफ आपको बताया था उसमें हमने श्री विधि के बारे में विस्तृत चर्चा आप सभी कृषक बंधुओं से इस वीडियो के माध्यम से की थी। उससे हमने बताया था कि जो श्री विधि है उससे 20 दर भी कम लगता है और उत्पादन भी सामान्य से 3 गुना ज्यादा आता है। बात करते हैं हम लोग बीज दर की। असिंचित क्षेत्र में 2 से 3 किलोग्राम, सिंचित क्षेत्र में 1.5 से 2 किलोग्राम। बीज दर इसलिए जरूरी है हमारे लिए, अगर हम ज्यादा बीज दर लेंगे तो पौध संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, बीमारी और कीट का प्रकोप प्रादुर्भाव बढ़ जाएगा। अगर बीज दर जितना लेंगे उतनी ही जरूरत है तो पौध संख्या उतनी होगी जितने से हमको उत्पादन चाहिए, और दूसरा कीट और व्याधि का प्रकोप भी इसमें कम होगा। रोपण की दो विधि है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर हम सिंचाई की बात करें तो बीज बुआई के बाद तुरंत सिंचाई करें या हम पलेवा देकर के भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। सरसों की फसल में हल्की भूमि में 5 सिंचाई और भारी भूमि में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होता है। सरसों की फसल में 3 सिंचाई पर जो नाइट्रोजन है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन घूमता रहता है, इसलिए उसकी मात्रा जो है हम स्प्लिट में भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार जब फूल आते समय 1 सिंचाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। जब फूल के ऊपर सिंचाई करना है और जब उसकी सरसों की फलियां आती है उस समय हमको सिंचाई आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगर हमने ज्यादा सिंचाई कर दी सरसों में तो इसका उत्पादन के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो माइक्रो स्प्रिंकलर है, छोटी फव्वारा सिंचाई है, वो किसान भाई जरूर लगाएं, क्योंकि 10 या 10 बाय 10 या 12 बाय 12 मीटर पर लगाएंगे तो रोज जो है 10 से 15 मिनट का पानी वो दे पाएंगे। बात आती है शीर्ष शाखाओं को तोड़ना, ये बहुत ही जरूरी है। ये हम दलहन फसल में भी इस तरह की शीर्ष शाखाओं को तोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है जब हम शीर्ष शाखाएं तोड़ देते हैं, एपिकल जो ब्रांचेस होती है हम तोड़ लेते हैं, तो जो उसमें फूल और फलियों की संख्या अच्छी होती है, फूलों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हमको फूल जब आते हैं उस समय फसल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बात आती है पर्णी छिड़काव की। पर्णी छिड़काव क्यों जरूरी है किसान भाई? इसलिए जरूरी है, जब हम कोई पर्णी छिड़काव करते हैं वो जल विलय खाद होती है, जो कि तुरंत पत्तियों के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में जो जाइलम है वो नीचे ले जाएगा और जो फ्लोएम है वो सारे जो पौधे के भाग है उनमें जो है समान रूप से ये खाद को, उर्वरक को पहुंचा देगा। जैसे हम बात करते हैं 12:60 माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर सल्फर की। अब गंधक इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक तो तेल वाली फसल है, दूसरा गंधक एक फफूंदनाशक के रूप में भी काम करता है। कभी कभी पाला अत्यधिक पड़ने से सल्फर जो अपना सरसों होती है उसके ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो गंधक जो है उस समय गर्मी पैदा करता है और उसकी जितनी जैविक क्रिया वो अच्छी तरह शुरू हो जाती है। फली बनते समय फास्फोरस की जरूरत होती है, पोटेशियम फॉस्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर और सल्फर। अब पकते समय 0050 सल्फेट ऑफ पोटाश, जिसमें 17.5% फिर सल्फर होता है, बाकी जो है पोटाश होता है, जिससे फसल में चमक, वजन और किसी भी बीमारी को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। फसल चक्र बहुत जरूरी है अपनाना। फसल चक्र हम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि अगर हम एक ही खेत में एक फसल को 2 साल से अधिक लेंगे तो मिट्टी जनित रोगों की समस्या बढ़ जाती है, उकसुक की समस्या बढ़ जाती है, फ्यूजेरियम विल्ट जो है उसकी समस्या बढ़ जाती है। चना मसूर या खेतों में सरसों की खेती करना चाहिए। फसल चक्र कम से कम 3 वर्ष तक अपनाना चाहिए। जिस खेत में चना लगा हुआ है 2-3 साल से, वहां पे भी इसका फसल चक्र अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा, जब हम पोषक तत्व होते हैं वो एक समान रूप से फसलों को मिल जाते हैं, मुख्य फसल जो होती है उसका उत्पादन फसल चक्र अपनाने से बढ़ जाता है। अंतर्वर्ती फसल सबसे महत्वपूर्ण है सरसों में। अंतर्वर्ती फसल, अंतर्वर्ती फसल हम क्यों लेते हैं? मिश्रित फसल लेते हैं, अंतर्वर्ती फसल लेते हैं, जिससे कि एक फसल का बीमा होता है, दूसरा जो सरसों है वो दूसरे अगर दलहन फसल के साथ लगाएंगे तो उससे इसको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा और दलहन को ये क्या दे देगा? फास्फोरस दे देगा। उसके बाद जब 9 कतार गेहूं की बाद 1 कतार सरसों के लगाना चाहिए, 2 कतार सरसों के बाद 1 कतार आलू के लगाना चाहिए, 3 कतार मसूर के बाद 1 कतार सरसों के लगाना चाहिए और 3 कतार चने के बाद 1 कतार सरसों की जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इधर क्या है, दलहन भी है तिलहन भी है, गेहूं के साथ में खाद्यान्न फसल भी है और सरसों भी है, कुछ न कुछ आदान प्रदान दोनों फसलों का आपस में होता रहता है। बात करते हैं हम लोग फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन की। तो किसान भाइयों, ये जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें जितने किसान जुड़े हुए हैं वो 70 फसलों की इसमें जानकारी है, मौसम का पूर्वानुमान है, उसके बाद में मिट्टी परीक्षण के आधार पर अगली फसल की जानकारी है,
उसके बाद मंडी भाव के अपडेट्स हैं और समय समय पर हम व्यक्ति का सलाह भी फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा दी जाती है। और हमारे ये लोग जितने भी ये विक्रेता गण हैं, ये विक्रेताओं से जो किसान जुड़े हुए हैं, वो विक्रेताओं से निवेदन है कि वे हमारे किसान भाइयों को इससे सीधे सीधे बार कोड से इसको डाउनलोड कराने का कष्ट करें। मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उससे मैंने पहला बोलना चाहूंगा सबसे कि आप जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी सीधे जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको ये सारी जानकारियां वहां भी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।